मैडम ये आपके घर का मैटर नहीं है, सास बहू मिलकर सुलझा लो। ये मेरे ही घर का मैटर है इंस्पेक्टर साहब, और आप यहाँ अपने घर का मैटर सुलझाने के लिए नहीं बैठे हैं जो मेरी बातें आपको तकलीफ दे रही। इसने मुझसे मेरा पति छीन लिया, मेरे परिवार की ये हालत कर दी, और आप उस इंसान को बचाना चाह रहे, क्या यही आपका काम है? इसीलिए आपको ये कुर्सी दी गई है। देखिए आप अपनी हद से बाहर जा रही हैं। मुझे अपने काम में दखल अंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे कुर्सी और पद के बारे में मत समझाइए, वरना मुझे आपको एक पुलिस इंस्पेक्टर के कार्य में बाधा डालने और उस पर झूठा आरोप लगाने के केस में सलाखों के पीछे डालते देर नहीं लगेगी। कैपिटल सरोजनी, हम इनके पास काम के लिए आए हैं, तो हमें इन पे भरोसा करना चाहिए ना। तुम चिंता न करो, इन्हें अपना काम करने दो। समझाइए इन्हें अच्छे से, ज्यादा नौटंकी की जरूरत नहीं है। ये हम डिसाइड करेंगे कि कौन संदिग्ध है और कौन असल गुनाहगार। और आपके चीखने चिल्लाने से हम किसी मासूम पर चार्ज नहीं लगाएंगे। आपको समझना पड़ेगा कि एक हिट एंड रन केस में असली गुनाहगार को पकड़ना बहुत ही असंभव होता है। तो क्या इस वजह से आप चुप बैठ जाते हैं? क्या यही आपकी ड्यूटी है? मुझे अपनी ड्यूटी के बारे में पता है। प्लीज देखिए इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी बात का बुरा मत मानिए। हम लोग तो सुमिंदर के लिए न्याय मांगने के लिए हाथ फैलाए खड़े हैं। गुनहगार कौन है, बेगुनाह कौन है, इसका पता तो आप लगाएंगे ना। हम नहीं कहते कि बेगुनाह को सूली पे चढ़ा, बाकी न्याय तो मिलना चाहिए ना। मैं भी न्याय की ही बातें कर रहा हूँ। पुलिस अपना काम कर रही है, गुनहगार का जैसे पता लगे आप लोगों को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और ये जो आपका बेकार का हो अल्लाह है, इसे बंद कीजिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जो आपकी जांच पड़ताल, खोजबीन और एक क्रॉस चेकिंग, ये सब भी बंद कीजिए। इससे सिवाय पुलिस के काम में बाधा के और कुछ हासिल नहीं होगा। मैं जानती थी कि आप यही कहेंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा इंस्पेक्टर साहब, इस केस को लेकर मेरी भी कुछ जिम्मेदारी, और मैं अपनी जिम्मेदारी को कभी नहीं छोड़ सकती। मुझसे जो जांच करवाने लायक होगा करूंगी, जो क्रॉस चेकिंग होगी सब करूंगी, और आपको आकर बताऊंगी। अगर आप नहीं सुनेंगे तो कोर्ट में जाऊंगी, लेकिन उस गुनहगार को उसके हिस्से की सजा दिलवा कर रहूंगी मैं, जिसने मुझसे मेरा सुमित्र छीन लिया। मैं अपने सुमित्र के साथ अन्याय नहीं होने दूंगी। और वो जो कोई भी है, कहीं भी, मैं उस अपराधी को नहीं छोड़ने वाली। हुआ वही ना जो हम कह रहे थे, कुछ हासिल हुआ? खाली में सिर्फ टाइम की बर्बादी हुई है हमारी। नहीं कुछ हो भी जाता तो सुमिंदर वापिस आ जाता। हम आप बताओ, तुम आ जाता वापिस तो फिर काहे लफड़े में फंस रहे हैं? हैं? हम बता रहे कुछ ना हासिल होगा, खाली पीली कब तक हम अपना काम धंधा छोड़ के कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रहेंगे? बताओ। शर्म नहीं आ रहा है अनिला जी? अपने भाई के लिए तुम्हारा काम आड़े आ रहा है, काम जरूरी हो गया है तुमको। सुमिंदर, जिसके बाप ने उसके लिए एक पैसे की कमी नहीं होने दी, कंजूस होने के बावजूद हाथों से खर्च किया उसके ऊपर, उस भाई के लिए तुमको काम आड़े आ रहा है? धिक्कार है तुमको। अरे एक बात बताओ, कभी तुम्हारे दिल से आवाज निकली है सुमिंदर को इंसाफ चाहिए? आज तक ऐसी सोच कभी भी दुष्यंत के खानदान में नहीं हुई। क्या तुम्हारे दिल से कभी आवाज आती है कि सुमिंदर का प्यारा पकड़ा जाना चाहिए? अरे दादाजी आप गलत सोच रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि सोमू को इंसाफ मिले, लेकिन कहा है ना कि आप सभी भावुक होकर सोच रहे हैं। लेकिन हमारे सर पर जिम्मेदारियों का बोझ है, आपके कपड़े से लेके का खाना पीना, सबके सबकी जिम्मेदारियां हमारे सर के ऊपर है।
तो जो अंदर की आवाज है ना वो भावुक वाली, वो निकलती ही नहीं। काय की व्यवहारिक होना पड़ता है, जमीन पे पैर रख के सोचना पड़ता है क्या करना है क्या नहीं करना है, वही हम कर रहे हैं। ये क्या लगा रखा आपने, ये अपना फैमिली ड्रामा अपने घर जाकर करिए ना, यहां हमें क्यों दिखा रहे ड्रामा, चले यहां से, निकले यहां से। आप ऐसे बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ अपने शौक से तो आए नहीं, आप ही ने हमें बुलाया ना, और आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे यहाँ हम आपको कोई हिस्सा लेने आए हो। कौन सा तरीका होता है लोगों से बात करने का? अब आप मुझे तरीका सिखाएंगे? मैं आपको कुछ सिखा नहीं रही, बता रही हूँ कि आप हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे। यार बहुत हो गया आप लोगों का, यादव सलाम, निकालो इन सबको बाहर। चलिए आप, चलिए आप बाहर, चलिए यहाँ से आप बाहर प्लीज, चलिए। क्या मतलब हुआ है? चलिए चलिए चलिए, ये आप ठीक नहीं कर रहे। मैं गलत ही करता हूँ। नहीं तो निकालो नहीं ऑटो का बाहर, चलिए। अरे गजानन दारा जी, आप पहचाना नहीं क्या? अरे मैं नीतू, आपके दोस्त शर्मा जी की पोती। अच्छा अच्छा, सॉरी वो मैं आप लोगों को ऐसे, वैसे सब लोग एक साथ यहाँ। अब क्या बताएं, उसी सिलसिले में इंस्पेक्टर ने हमको बुलवाया था यहाँ, उन्होंने कोई आदमी पकड़ा है जिस पर उन्हें संदेह है, उसी लिए यहाँ आई। अच्छा तो क्या हुआ, कर दिया साहब ने उसे अंदर? नहीं, हमारे यहाँ आते इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि वो गुनहगार नहीं, उनके पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, बस इंक्वायरी के लिए बुलाया था। लेकिन कल मैंने साहब को हवलदार से बात करते हुए सुना था कि एक आदमी को कल इंक्वायरी के लिए यहाँ बुलाया जा रहा है और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत है, लेकिन उस आदमी के पास पैसा और पावर दोनों है। अगर सबूत है तो छोड़ क्यों दिया? शायद आप मेरे साहब के बारे में जानती नहीं है, भ्रष्टाचार के मसीहा है वो, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उनका जन्म किसी औरत से नहीं रूस कोरी से हुआ है। तभी मैं सोचूं कि इतने तेवर क्यों, मैं अभी उनसे बात कर कर। एक मिनट, कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी कुछ क्लियर नहीं है, हो सकता है कल जिस आदमी को बुलाया जा रहा हो वो किसी और केस के सिलसिले में बुलाया जा रहा हो, यहाँ तो दिन भर ऐसे केस आते ही रहते हैं। तो आप मुझे क्या करना चाहिए? पहले मुझे पता कर लेने दो असल में बात क्या हुई थी, वो आदमी किस लिए यहाँ आया था। थैंक यू सो मच, अगर आप हमारा साथ देंगे तो आपका बहुत बड़ा उपकार होगा हमें, बस जब तक गुनहगार नहीं मिल जाता प्लीज हमारा साथ दीजिएगा। मुझे आपका नंबर मिल सकता है क्या? नो, बताइए। अरे सुनिए, आप आ रहे हैं हम जाएं घर पे? चल रहे हैं। क्या है, इमरजेंसी काम है वो करना है हमका। अरे चल रहे हैं, बेचैन काहे हो रहे हो? माँ अरे चलो चलो चलो। दरअसल आपसे बात करनी है, सपना भाभी का मैसेज आया था, सुमेंदर भैया के केस में पुलिस ने किसी को पकड़ा है, तो हम जाकर। इंद्रा, पुलिस अपना काम कर रही है, उन्हें करने दो, वो मुजरिम को पकड़कर बहुत जल्द जेल में डाल देंगे, उन्हें थोड़ा टाइम तो दो। मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर रहो और मेरी मदद करो। ये तुम ये देखो कितनी गड़बड़ है इस फाइल में, कुछ समझ में आ रहा है? सांप और छछुंदर का हाल हो गया, ना कुछ छूटते बनता है ना कुछ पकड़ते, इतना सा भी दिमाग नहीं है तुम्हारे भाई में और बिजनेस सेंस तो है ही नहीं, सब कुछ मुझे अकेले करना पड़ रहा है।
खैर छोड़ो, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं काम कर लेता। अब तो हम जा नहीं पाएंगे, पता नहीं वहां क्या हुआ होगा। तुम लोग को मना किया था ना मेरे घर के सामने ताश के नाम पर जुआ खेलने की, ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा। उठो। अच्छा ठीक है, चलो भाइयों इनके घर में जाके खेलेंगे। चाय नाश्ते का इंतजाम कर लोगी ना तुम? मैं तुम लोग को प्यार से बता रही हूँ। और तुम? अरे मैडम हम भी तो प्यार से समझ रहे हैं, प्यार से खेलने तो जाइए। ये मेरी 200 की पूरी और ये मेरी 100। ये 200, इसमें 200-300 में ले लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमरे पत्ते हाथ लगाने की? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के सामने जुआ खेलने की मना करने के बावजूद भी? घर के सामने ही खेल रहे ना, तुम्हारे घर में आकर तो ना खेल रहे। और तू होती कौन है हमें रोकने वाली? ई जगह ई रास्ता तुम्हारे बाप का है का? ए चुप बेहुदा, अपनी माँ बहन से ऐसी बात करता है? अरे दादाजी सुनिए सुनिए, करने दीजिए ना जो कर रहे हैं, का दिक्कत है ना? ऐ सरोजनी चलो अंदर चलते, आ जाओ। नहीं भास्कर भैया, मैं इन लोगों को अपने घर के सामने अनैतिक काम करने की अनुमति नहीं दूँ। कलेक्टर हो का? तुम अनुमति दोगी, तुम्हारी अनुमति पर चलेंगे। अपनी हद में रहो, तुम ना सिखाओ हमें क्या करना है क्या ना करना है, हम सीखे सिखाए बैठे हैं। अरे हम अपने बाप की ना सुनते, तुम कौन सी खेत की मूली हो रहे? चली जाओ वरना। वरना क्या? हाँ तुम लोग यहाँ से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊं। बुला लो अभी, बुला लो, लो फोन दे। पर याद रखना तुम्हारा ही जेठ हमरे साथ पकड़ाएगा। कहा है ना कि कभी कभी ई भी यहाँ आके अपने हाथ की सफाई के साथ साथ पैसों की सफाई भी दिखा जाते हैं। इनका नाम लेने में पुलिस के सामने हमें शर्म ना आएगी। भास्कर भाई समझाओ इस औरत को, अपने काम से काम रखे, हम लोंडों के पीछे ना पड़े, इसी में इसकी भलाई है। हाँ समझा रहे हैं, समझा। ए सरोजनी तुम हमारी बात काहे नहीं सुन रही हो, काहे लुच्चे लफंगों के मुंह लग रही हो है? तुम घर चलो हम बात करते हैं। और सुनो वो लोग कहते हैं ना कि लंगा से गंगा भी डरती है, तो हमारी का भी साथ है ना? हमारे साथ ना तो हमारा बाप है ना हमारा भाई है, अकेले पड़ गए हैं हम, तो कैसे लड़ेंगे? और तुम हीरो गिरो करोगी ना इनके साथ तो मार हमको खानी पड़ेगी। लेकिन भास्कर भैया ये तो गलत है ना? हम जानते हैं गलत है, तो क्या करें, झगड़ा कर ले। एक तो ऐसी टेंशन है काम की हमारे सर के ऊपर, झगड़ा करके दूसरी टेंशन भी ले लें सर पे। हम कह रहे हैं घर चलो बैठ के बात करेंगे, तुम्हें समझाएंगे। दादाजी आइए। अरे जाओ जाओ, अपने मरे हुए पति के फोटो के सामने जाके ये दुखड़ा सुना देना, फिर देखना वो ऊपर से तुम्हारी मदद करने आता है कि नहीं। देख रहे हो ना सुमित्र, तुम्हारे जाने के बाद कितनी बेसहारा हो गई हूँ। हर कोई मुझे निशाना बना लेता है, जो तुम्हारे रहते सर जो खाते थे आज वही पत्थर उठाने के लिए तैयार है। अगर तुम होते तो ऐसा कभी नहीं होता, तुम मुझे छोड़ कर क्यों चले गए सुमित्र, क्यों चले गए? तो
रो मत, हमने सुमिंदर बचवा को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि उसकी मैडम जी की आंखों में आंसू। हिम्मत से काम लेना होगा। क्या कहता था वो, मैडम जी स्ट्रांग बनो। वही तो कर रही हूँ बाजी, लेकिन कभी कभी मेरी हिम्मत भी जवाब दे देती है। जब मैं किसी से लड़ नहीं पा रही, कुछ नहीं कर पा रही हूँ, यहाँ तक कि अपने सुमिंद्र को न्याय तक नहीं दिला पा रही हूँ मैं। पर बिटिया, तुम ये सब करने की कोशिश तो कर रही हो ना। इंसान के हाथ में तो बस कोशिश करना ही होता है। तीन बेटे से कोशिश ही तो कर रही हूँ आज, लेकिन अब तक उस हत्यारे का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। वो सरेआम बाहर घूम रहा है और ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है बाजी। बेटिया, जब खुद पे से भरोसा टूट जाए ना, थोड़ा सा भरोसा भगवान पे कर लेना चाहिए। इससे ना खुद पे भी भरोसा आता है और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। तो हिम्मत खो दो, और हिम्मत रखोगी ना तो ही सुमिंदर बचवा के गुनाहगार को पकड़वाने की कोशिश कर पाओगी। और फिर तुमको तो अपना काम भी करना है ना। हमने सुमिंदर का सपना भी पूरा करना है ना। अच्छा वो आपने याद दिला दिया बाजी, मुझे स्कूल के काम के लिए गवर्नमेंट ऑफिस जाना है। मैं जाकर आती हूँ। सर अब तो मेरा काम हो जाएगा ना। हम कलेक्टर ऑफिस से एनओसी का वेट कर रहे हैं। जैसी एनओसी मिलेगी आपका काम शुरू, तब उसी पे डिपेंड करता है। लेकिन सर 3 महीने हो चुके, आपने तो कहा था कि इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, और मेरे सारे पेपर्स भी क्लियर। मैडम पेपर्स क्लियर होने से कुछ नहीं होता, पेपर्स पर वेट भी होना चाहिए, वरना पेपर्स अटका रहता है, हवा में उड़ता रहता है। मैं समझी नहीं। सब बात मैडम समझाने की नहीं होती, कुछ बातें खुद समझने की भी होती। देखो आप इतना बड़ा स्कूल खोलोगे, इतनी बड़ी बड़ी फीस लोगे, आपको इतना प्रॉफिट होगा, अब थोड़ी बहुत फीस तो हमारी बनती है ना। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि स्कूल में किसी प्रॉफिट के लिए नहीं खोल रही हूँ। ये स्कूल मेरे स्वर्गवासी पति का सपना था, मैं तो बस उनका सपना पूरा करने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल का निर्माण कर रही हूँ। आप मुझसे ऐसी कोई उम्मीद मत रखिएगा, मैं इसे पूरा नहीं कर पाऊंगी। खैर आप जाइए। अब इस टेबल से फाइल कब आगे जाएगी पता नहीं, आगे जाएगी भी या नहीं पता नहीं। लेकिन आपका रास्ता सही नहीं है, मैं इसकी कंप्लेन करूंगी। आप फिर से गलत काम करने जा रही हैं। खैर जाइए, आपको जिससे कंप्लेन करनी है कंप्लेन कीजिए, ना तो मैं इन पेपर्स पे साइन करूंगा और ना ही ये स्कूल बनेगा। स्कूल तो बनेगा और 3 महीने में ही बनेगा, क्योंकि ये मेरे पति का सपना है। अच्छा हुआ कि आपने अपनी सोच बता दी, लेकिन रास्ते और भी देखते हैं।